वैसे तो बिहार में नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में विमान सेवा में उछाल को देखते हुए गवर्नमेंट ने बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण करने जा रही है, जहां पर बोइंग जैसे विमान सेवा का परिचालन शुरू होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हो पटना न्यूज। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट से पहले बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कर लिया जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 108 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि यह जमीन अभी इंडियन एयरफोर्स के अधीन है। यह एयरपोर्ट का निर्माण कार्य कुछ ही महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट का निर्माण दो फेज में कम्प्लीट किया जाएगा। पहले फेज में 25 लाख सालाना कैपेसिटी वाले फेज को पूरा किया जाएगा और दूसरी फेज में इसे 50 लाख यात्री प्रति वर्ष कर दी जाएगी। इसे 3 सालों में कंप्लीट कर लेने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि यह एयरपोर्ट बिहार का पहला पूरी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो पूरी दुनिया से सीधी तरह से जुड़ा होगा और बोइंग जैसे 747 विमानों का भी परिचालन शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार शुरू हो चुका है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट पटना डेवलपमेंट में इसकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी पटना एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 30 फ्लाइट्स उड़ान भरती है, जो कि बिहटा टाउन से बाहर है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने टाउन से अच्छी कनेक्टिविटी के लिए फ्लाईओवर्स, मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं पे काम कर रही है। दोस्तों, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से पूरी दुनिया से सीधा जुड़ जाएगा बिहार और बिहार में पर्यटन जैसे इंडस्ट्री में भारी उछाल आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जय बिहार लिखकर शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम पटना।